झुलाटी नगर भवन में राजस्व ग्राम प्रधानों को सम्मान दिया जा रहा है। इस सम्मान में कहीं न कहीं जो है पूर्व गोड्डा के सांसद मंत्री रहे फुरकान अंसारी जी का हाथ है। इस पर क्या कुछ कहेंगे, हम सबसे पहले जान लेते हैं सर, आज राजस्व ग्राम प्रधानों को सम्मानित कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे तो एमएलए नहीं बनना है, मुझे एमपीपी नहीं बनना है, मारपुर भी देख लीजिए आप। लेकिन जो झारखंड की जनता है, जो प्रधान है, या और भी जो समस्या है झारखंड के आदिवासियों का, मूलवासियों का, बैकवर्ड्स का, उनके समस्या पर हमारा नजर हर वक्त रहता है, चाहे हम एमएलए लड़े या नहीं लड़े, एमपी रहे या नहीं रहे, लेकिन हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उस हैसियत से हमारी नज़र हर वक्त उनकी समस्याओं पर रहता है। और ये सम्मानित राशि जो है, ये हम सबों का कोशिश रही है, निकल साहब की रही है, मंत्री जी का रहा है, मेरा भी रहा है, और जो जिला के अध्यक्ष हैं अजीत दुबे जी, उनका भी कोशिश रहा है, सब मिलकर इसको कराया है, और भी सम्मानित किया जाएगा आगे चल करके। हमारी सरकार को पहले बनने दीजिए, उसके बाद सर पहले की जो झारखंड राजनीति थी, अभी की जो राजनीति है, आप पहले भी 25 साल जामताड़ा में विधायक के तौर पर रह चुके हैं, उसको किस परिप्रेक्ष्य पर आप देखते हैं? इतनी गंदी राजनीति कभी नहीं देखा था मैंने, इतनी गंदी राजनीति जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, इतनी गंदी राजनीति कभी हमने नहीं देखा था। ये सिर्फ जो है धोखाधड़ी, गलत फहमी, रूमर फैला करके राज करना चाहती है। और हमारे स्पीकर साहब ने एक बात बहुत 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 महत्वपूर्ण बात कही है कि जमीन हमारा जब सुरक्षित रहेगा तभी हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारी जमीन पर नजर इनका इसलिए है कि हमारे जमीन के अंदर सब कुछ है, कहीं कोयला है, मिनरल है, लोहा है, पत्थर है, बालू, सब कुछ यहीं पर है। जमीन कैसे हमारा बचेगा ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है, और उसमें प्रधान का बहुत बड़ा हाथ है, प्रधान चाहेगा तो जमीन को हिफाजत कर सकता है। इस बीच हमारे साथ बरही के विधायक उमा शंकर अकेला जी भी हैं, हमसे बातचीत इस सभा के संबोधन के दौरान उनका भी एक बहुत बड़ा बयान आया है, हम उनसे सीधे ही जान लेते हैं। सर आपने अपने संबोधन में अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बीजेपी का नाम भारत जलाओ पार्टी है, इसमें सर क्या कुछ कहेंगे, थोड़ा प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ अपने अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी को, मैं बधाई देता हूँ फुरकान अंसारी साहब को, मैं बधाई देता हूँ माननीय मंत्री फुरकान अंसारी जी को, इन्होंने हमारे यहाँ, मैं तो उत्तरी छोटा नागपुर का आवासी हूँ, वहाँ ग्राम प्रधान नहीं होते हैं, सीधे वहाँ मुखिया का चुनाव होता है, लेकिन ये संथाल प्रधान है, गाँव के लोग प्रधान होते हैं। अब प्रधान जो होता है सिर्फ जमीनी आदमी होता है, आज जमीनी आदमी होता है तो किसकी कौन जमीन है किसकी जानकारी उसे होती है, यदि जो कोई विवाद होता है तो वो कोर्ट नहीं जाता है, अंचल नहीं जाता है, ग्राम प्रधान के द्वारा उसकी समस्याओं का समाधान करके, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस इलाके में। जहाँ तक आपको हमने बताया, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से देश के आगों में छोपने काम करता है, आज उनके कहते हैं बांग्लादेशी यहाँ बसे हुए हैं, तो ये आपके माध्यम से हम उनसे जानना चाहता हूँ कि बॉर्डर पर किसकी सेना है, बॉर्डर पर तो भारत सरकार की सेना है, कोई झारखंड का तो सेना नहीं है, किस स्टेट का सेना तो नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो आज यानी कि वहाँ रोक नहीं पाती है, और यहाँ कहता है कि घुसपैठी आ गई, मेरा कहना है कि आप बॉर्डर पर रोक दो, कोई घुसपैठी नहीं होगा, तो ये इसका काम है हिंदू मुसलमान करना, इसका काम है सिख ईसाई करना, ये सारे चीज इस प्रकार से आगे कर करके धर्म के लाके आगे ला करके देश को जिस देश में धर्म आगे बढ़ा है देश बर्बाद हुआ है, जैसे पाकिस्तान, जैसे बांग्लादेश, जैसे आपका श्रीलंका, ये सब धर्म के आड़ में काफी बर्बाद हुआ, हमारा देश सेकुलर है और सेकुलर में इन लोगों को कुछ नहीं चलेगा, और सेकुलर चलेगा समाजवादी लोग यहाँ हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के बारे में सोचा है, ये तो कई साल कितना दिन से देश के बारे में सोचा है, कभी आए आपने हमें बताया कि आज़ादी की लड़ाई भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी सहयोग सहभागिता दिया है क्या?
उसकी बात करते हैं आप, जो देश के बारे में नहीं सोचा होता देश के आगे बढ़ाएंगे, देश के बारे में सोचा है कब कांग्रेस पार्टी ने सोचा है, सारे लोगों ने दिया है, सब देश हमारा आजाद हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के हेड की पीठ के लिए कुछ लगा नहीं है, और धर्म का नाम पर तीन बार विधायक प्रधानमंत्री बन गए। आज हमारी सरकार गरीबों को किसानों को ऋण माफ करती है और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का ऋण माफ करता है, ये फर्क है, इसलिए वो गरीबों पर अत्याचार करवा रहा है ये सारे चीज़ों को, इसलिए वो गरीब गरीब में लड़वा देने का काम करता है, हिंदू मुसलमानों में लड़वाता है, ये सिख ईसाइयों में लड़वाने का काम करता है, इसलिए हम उसको कहते हैं भारत जला पार्टी है, वो भारत को जलाना चाहता है और हम लोग भारत को जलने नहीं देंगे, बीजेपी को जला देंगे, लेकिन भारत को जी।